फिल्म स्टार सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले अर्णब गोस्वामी ने सन 2018 में 5 मई 2018 को अन्वय नाइक और उसकी मां की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार माना गया है। उनके खिलाफ कारगिल तालुका अलीबाग में FIR दर्ज हुई है, जिसमें उन्हें मुख्य आरोपी 2018 में बताया गया था। भाजपा सरकार होने के चलते उन्हें उन पर अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अक्षता नाइक, जो कि मृतक इंजीनियर नाइक की पत्नी है, लगातार 2 वर्ष से इस संदर्भ में आवाज उठाती आई है। आज उनकी आवाज को विधायक मीरा भाईंदर के विधायक प्रताप सर नाइक ने भी अपनी आवाज से मिलाया है। उन्हें मदद करते हुए उन्होंने गृह मंत्री से पत्र लिख कर के मांग की कि अलीबाग में जो सन 2018 में FIR अर्णव गोस्वामी के खिलाफ लिखी गई थी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं अक्षता नाइक और विधायक प्रताप सर नाइक का क्या कहना है। अर्णव गोस्वामी ने अपने कार्यालय में इंटीरियर करवाया था, जिसका ठेका अन्वय नाइक को दिया था, जो कि 7 करोड़ का बताया जा रहा है। करीब 83 लाख रुपए उन्होंने दिया नहीं था, जिसके चलते अन्वय नाइक ने अपनी 84 वर्षीय माँ के साथ आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें अर्णव गोस्वामी और फिरोज शेख का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया था। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला, अन्वय नाइक की पत्नी का क्या है कहना, विधायक प्रताप शर्मा क्या कह रहे हैं। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस पूरे देश में बड़े पैमाने पे चर्चा हो रही है। उसके प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब जगह पे वही चर्चा है। लोगों को तो ऐसा लगता है कि बाकी कुछ भी नहीं, खाली एक ही केस पुलिस के पास है, कोई कर रहा है बिहार पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, कोई कर रहा है कि CBI की इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार जो अर्णब गोस्वामी नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि यहाँ इस केस में पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना ही चाहिए। मैं जानता हूं कि जिस थाने इलाके से मैं विधायक के तौर पे चुन के आया, कुछ साल पहले सूरज परमार नाम के एक बिल्डर की सुसाइड हो गई थी, और वो सुसाइड नोट में जिनके नाम थे वो तो नाम भी बराबर दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी पूरे के पूरे जो आरोपी है उनको अदालत में पुलिस लेके गई और उनके ऊपर गुनाह भी दर्ज हो गया। तो मेरा यही कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर पुलिस के पास कुछ गवाह है तो उसको न्याय मिलना ही चाहिए, उसके फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। अर्णव गोस्वामी जो बड़े बड़े पैमाने पे सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इसमें पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट है, हाँ अगर रहेगी तो जरूर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मिस्टर अर्णव गोस्वामी जी, आपको शायद पता रहेगा कि अन्वय नाइक नाम का एक आर्किटेक्ट था, जिन्होंने आपके जो स्टूडियो जहां से आप चिल्ला रहे हैं उस स्टूडियो में से बहुत सारा काम ये अन्वय नाइक ने किया था। उसको आपने करीबन 7 करोड़ रुपए का इंटीरियर का काम दिया था और पूरे पैसे नहीं दिए। उसके जो बाकी पैसे थे, वो पैसे की मांग जब भी आपके पास वो कर रहा था तो आप नकार दे रहे थे उसको और पैसे नहीं दे रहे थे। आखिर वो बेचारे गरीब मराठी महाराष्ट्रीय आर्किटेक्ट ने खुद भी सुसाइड कर लिया और अपने माँ के साथ सुसाइड उसने कर लिया। उसकी पत्नी का एक वीडियो सभी सोशल मीडिया पे आ रहा है, उसका ऐसा कहना है कि 2 साल से मैं इस केस के बारे में उस वक्त के जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके पास न्याय मांग रहा हूँ, मगर मुझे न्याय नहीं दे रहे, क्योंकि जिस दिन अन्वय नाइक ने सुसाइड की, उस सुसाइड नोट में पहला नाम किसका था तो अर्णव गोस्वामी का था, और उसी रात उन्होंने अलीबाग पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च किया। उस FIR की कॉपी भी मेरे पास है, उसने भी अर्णव गोस्वामी के साथ और 2 जन का नाम दिया, मगर अभी तक पुलिस ने उसकी इंक्वायरी नहीं की। क्या सूरज परमार को न्याय मिल सकता है जो गुजरात से बिलीव रखता है? क्या बिहार से बिलीव रखने वाले सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सकेगा? मगर इस महाराष्ट्र की मिट्टी में जन्मा हुआ एक महाराष्ट्रीयन वास्तु विशारद है, उसकी बेचारी 80 साल की माँ अगर खुदकुशी करती है, वो भी अर्णव गोस्वामी की वजह से, तो क्या उस अन्वय नाइक और उनके माँ को न्याय नहीं मिलना चाहिए? उसकी बीवी जो सोशल मीडिया में मुझे न्याय दो चिल्ला रही है, उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? हाँ, गृह मंत्री महोदय, मेरी आपसे यही विनती है, अगर आप सूरज परमार को न्याय दे सकते हो, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दे सकते हो, तो हमारे मराठी आर्किटेक्ट को भी न्याय मिलना चाहिए। उसके तपास में वापिस जो 2 साल पहले के केस है, आप
निकालो, उसका तपास करो और उसमें जो जो आरोपी है सुसाइड नोट में जिनका जिनका नाम लिखा है उनकी सबकी इंक्वायरी करके अगर हो सके तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। ऐसी मेरी महाराष्ट्र का एक थाने और मीरा भाईंदर का विधायक होने के नाते आपको विनती है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक महाआघाड़ी सरकार के गृहमंत्री होने के नाते आप ये कार्रवाई करेंगे और जो हमारी बिचारी अन्वय नाइक की जो बीवी है उसको आप न्याय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत यांनी आत्महत्या केली हे वाईट झाले। हरणो गोस्वामी यासाठी खूप ओरडतोय। माझ्या सासूबाईंच्या आणि नवऱ्याच्या मृत्यूला आत्महत्येला हरणो गोस्वामी जबाबदार आहे। मागच्या गव्हर्नमेंटनी ही केस दाबून टाकली। या केस संबंधी मी दारोदारी फिरले, अजूनही मला न्याय मिळालेला नाही। मला न्याय कधी मिळणार? हरणो गोस्वामी माझ्या कुटुंबियांचा गुन्हेगार आहे आणि त्याला अटकही झालीच पाहिजे। सर्व महाराष्ट्रीय बांधवांना मी विनंती करते की नाईक कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यात आमची सहायता करा। जे लोक सुशांत सिंग राजपूतसाठी ओरडतायत त्यांनी नाईक कुटुंबियांसाठी पण ओरडावं ही विनंती। नमस्कार।